गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी हम देखते हैं चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 का पार्ट 3। इसमें देखते हैं हम सम एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसे हमने फर्स्ट मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अभी हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करने के लिए हम विल सी सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्संस इज 9:7। इनकम ऑफ टू पर्संस का रेशियो दिया है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ देन फाइंड देयर मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, उसका मंथली इनकम और एक्सपेंसेस निकालना है। तो हम क्या लेते हैं, लेट द मंथली इनकम बी एक्स एंड एक्सपेंडिचर बी वाई। मंथली इनकम उनका एक्स और एक्सपेंडिचर भी वाई। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस। रेशियो क्या दिया, 9:7। मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस का रेशियो दिया 9:7, तो उनका मंथली इनकम ऑफ टू पर्संस क्या हो जाएगा, 9x एंड 7x। ठीक है, ये आ जाएगा 9x एंड 7x। वैसे ही मंथली इनकम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ टू पर्संस, दो पर्संस का मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3, तो ये मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ टू रेशियो हो जाएगा 4y एंड 3y। ठीक है, हाँ अभी देखो इसमें इक्वेशंस कैसे बनाएंगे हम। इसमें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब उसका इनकम कितना और उसका खर्चा कितना है, वो दोनों अगर आप माइनस करोगे तो आपको उसकी सेविंग मिलेगी। ठीक है, दोनों भी कितना सेव करते हैं मंथली में, 2000 सेव करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये मंथली इनकम हो गया उसका फर्स्ट पर्सन का 9x और उसका मंथली एक्सपेंडिचर हो गया 4y। तो 9x माइनस 4y विल गिव इज सेविंग इक्वल्स टू 2000। यहाँ पर भी 7x इज इट्स इनकम एंड 3y उसका एक्सपेंडिचर है, तो 7x माइनस 3y विल गिव इट्स मंथली सेविंग। तो 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 इज द सेकेंड इक्वेशन। अभी एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड में आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, किसी भी वेरिएबल का। इधर आप x के कोएफिशिएंट सेम करो या फिर आप y के कोएफिशिएंट को सेम करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे हम करते हैं y के कोएफिशिएंट्स को सेम किया है। ठीक है, तो y के कोएफिशिएंट्स को अगर आपको सेम करना है तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। तो अभी देखो मल्टीप्लीकेशन में हमको दोनों भी साइड पूरा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, केवल जो नंबर्स चाहिए उसको ही नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 3 एंड 4 करना है। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं, तो ये मिलता है 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वेरिएबल सेम किया किस लिए, कोएफिशिएंट सेम किए किस लिए, कोएफिशिएंट सेम करना है ताकि हम एक वेरिएबल कैंसिल कर सके। ठीक है, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके। तो अभी देखो यहाँ पे माइनस 12y और माइनस 12y ये कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि सेम साइन है ना। तो सेम साइन अगर रहेंगे तो वो कैंसिल नहीं होंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशंस को। और जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड नंबर की साइन चेंज करते हैं। ये देखो ऐसे लिखोगे ना, 27x माइनस 12y माइनस ब्रैकेट ऑफ 28x माइनस 12y तो आप यहाँ पे साइन चेंज करोगे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का आपको साइन चेंज करना है जब यहाँ पे सेम साइन रहेगा, जब कैंसिल नहीं होता है तो आपको साइन चेंज करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को, क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। ठीक है, तो साइन चेंज करो आप सेकेंड इक्वेशंस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये होता है माइनस, ये माइनस का हो जाता है प्लस, ये प्लस का हो जाता है माइनस, सेकेंड नंबर की ही साइन चेंज करनी है। अभी 27x माइनस 28x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 12y माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, विट कैंसिल, 6000 माइनस 8000 इक्वल्स टू माइनस 2000। नाउ दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, सो वी गेट x इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2000। अभी क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रखना है। तो इक्वेशन 1 में रखा है,
तो 9x था, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 था, तो 9 इंटू एक्स की जगह रखा 2000, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, सो दिस बिकम 18000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, तो माइनस 4y यही रहेगा, 2000 माइनस 18000, सो दिस बिकम माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 16000, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट y इक्वल्स टू 16000 बाय 4, सो y आ जाता है 4000, ठीक है। सो मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन क्या है, क्या दिया रेशियो 9:7, तो 9x और 7x लिया था हमने, तो मंथली इनकम आ जाएगा 9 × 2000, 7 × 2000, तो इसका मंथली इनकम आते हैं इनके 18000 एंड 14000, एंड देयर एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, उनके खर्चे भी फाइंड करने हैं, तो एक्सपेंडिचर दिया था रेशियो 4:3, जिसके लिए हमने y लिया था, तो y का वैल्यू पुट अप किया यहाँ पे 4 × 4000, 3 × 4000, सो देयर एक्सपेंडिचर्स आर 16000 एंड 12000। ये भी देखो, आप फर्स्ट पर्सन का इनकम और एक्सपेंडिचर अगर आप माइनस करेंगे तो बराबर उसका सेविंग आता है 2000, इसमें भी आप 4000 माइनस 12000 करेंगे तो बराबर उसका सेविंग आता है 2000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक नोट आपको लिखा है, नोट देखो ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन में सेम साइन रहता है, जैसे हमें अब एग्जांपल में देखा था -12 -12 था, अगर सेम साइन रहता है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, ठीक है, दोनों भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने हैं, और सब्ट्रैक्ट करते समय वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, चेंज द साइन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। नाउ इफ द दे हैव डिफरेंट साइन, अगर अलग अलग साइन रहती है, जैसे -12 और +12 रहता है, तो वहां पे आपको ऐड द इक्वेशंस करना है, वी हैव टू ऐड द इक्वेशंस एंड डू नॉट चेंज द साइन, वहां पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां कैंसिल हो रहा है डिफरेंट साइन की वजह से, तो वहां पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में ये दो चीज ध्यान में रखना है, सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करना है सेकेंड नंबर का इक्वेशन का, और डिफरेंट साइन रहेगा तो उसको ऐड करना है विदाउट चेंजिंग द साइन, ठीक है। तो इस पे डिफरेंट साइन के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देखो आप, यहां पे दिया है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय टू फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहां पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits, the sum of two digit number, sum of kiska two digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by two, jo bhi hum digits use karenge ye two digit number banane ke liye, that digits differ by two, then find the number and how many such numbers are there, we can find, wo humko find karna hai. तो इसके लिए क्या करना है, आपको टू डिजिट नंबर्स जब भी दिए रहेंगे तो आपको वहां पे टेंस और यूनिट ऐसे करके दो डिजिट नंबर बनाने। देखो टू डिजिट नंबर आप बनाओगे तो उसमें एक टेंस रहेगा और एक यूनिट डिजिट रहेगा, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। तो हमने यहाँ पे लिया टेंस और यूनिट, टेंस डिजिट लिया एक्स और यूनिट डिजिट लिया वाई। तो अभी टू डिजिट नंबर बनाना, तो कैसे बनाएंगे, जो भी डिजिट एक्स पे टेंस पे रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट यूनिट पे रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो 10 इंटू, जैसे एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर जैसे लिखते हैं आप, तो 10x प्लस वाई इंटू 1, तो यह आता है 10x प्लस वाई, ये हो गया टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर हो गया 10x प्लस वाई। फिर क्या बोल रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट, सो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स मीन्स टेंस और यूनिट के प्लेसेस आपको रिवर्स, डिजिट्स रिवर्स करने, मतलब अभी टेंस की जगह वाई देना है, यूनिट की जगह एक्स देना है, तो आपका टू डिजिट नंबर क्या बनता है, यहाँ पे फिर से टेंस पे जो डिजिट रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट पे जो डिजिट रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, तो दिस बिकम 10 वाई प्लस एक्स, ये हो गया रिवर्स आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, न्यू टू डिजिट नंबर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो न्यू टू डिजिट नंबर मिलता है 10y प्लस एक्स। आपको पहली कंडीशन दिया है द सम ऑफ द नंबर, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये दोनों का सम इक्वल्स टू 66। तो पहला कंडीशन लिखा हमने 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, नंबर ऑब्टेन पहला और फिर आफ्टर रिवर्सिंग, ये दोनों का सम दिया इक्वल्स टू 66। तो 10x प्लस एक्स होता है 11x, 10y प्लस y होता है 11y इक्वल्स टू 66।
ये पूरा इक्वेशन 11 से डिवाइड होता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन दिया है आपको, द डिजिट्स डिफर बाय 2। अभी देखो यहाँ पे जो नंबर हमने टेंस और यूनिट डिजिट जब नंबर बनाया था, टू डिजिट नंबर, तो यहाँ पे कौन से डिजिट्स यूज किए थे हमने, x एंड y, ये दो डिजिट्स यूज किए थे। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, मतलब ये जो डिजिट से डिफर हो रहे हैं 2 से, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो अभी दो इक्वेशन दिए आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी देखो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई, ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, 1 और माइनस 1, दोनों के 1-1 है कोएफिशिएंट्स। तो ये देखो ये प्लस है और एक माइनस है, ऑपोजिट साइंस है, डिफरेंट साइंस है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है यहाँ पे, तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो x प्लस एक्स है 2x, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो x की वैल्यू आती है 4। सो आई सब्स्टिट्यूट करना x इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, तो 4 प्लस y इक्वल 6, तो y आता है 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर टू डिजिट नंबर क्या बनता है, 10x प्लस y, तो x के जगह 4 रखना है, y के जगह 2 रखना है, तो ये बनता है 42, और इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा 24। तो यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी सच नंबर्स कैन वी फाइंड, सो वी कैन फाइंड ओनली टू नंबर्स, दैट इज 42 एंड 24। ठीक है, तो 42 पहला जो दिया हुआ डिजिट है और 24 आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, थैंक यू।